गाइस, तो कैसे हो आप सब। और ये वीडियो कोई टेक वीडियो नहीं है, ना कि ये वीडियो है मेरे चैनल के बारे में। ये वीडियो है मदन गायकवाड चैनल के बारे में। ये उनका चैनल का लोगो है और मेरे फ्रेंड है, फेलो टेक यूट्यूबर है और टेक कम्युनिटी के मेंबर है। तो इनका चैनल जो है कल सडनली डिलीट हो गया विदाउट एनी प्रायर रीज़न, विदाउट एनी स्ट्राइक, जो कि 3 स्ट्राइक लगते हैं चैनल को डिलीट होने में, आपको पता होगा। तो इनके चैनल में कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है एंड जीरो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स। फिर भी विदाउट एनी प्रायर रीज़न एक मेल आया और उनका चैनल यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो मैं बता दूँ, इनके चैनल में 62,000 सब्सक्राइबर्स थे, अराउंड 62,000 सब्सक्राइबर थे एंड 600 से भी ज़्यादा यहाँ पर उन्होंने वीडियोज़ अपलोड की है। बहुत तरह की यहाँ पर कंटेंट थी, टेक कंटेंट थी और पूरी तरह से क्लीन कंटेंट है। मैं इनको 2017 से जानता हूँ, पहले से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ, और इनके चैनल में ऐसा कुछ नहीं था, पूरा क्लीन कंटेंट था। ऐसा कुछ नहीं था जिनकी वजह से जिनके चैनल डिलीट हो जाए, तो इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने लगभग सारा वीडियो तो नहीं, लगभग 80% वीडियो इनका देखा है चैनल का, और इनके चैनल में ऐसा कुछ नहीं है कि इनका चैनल डिलीट हो जाए। विदाउट एनी प्रायर रीज़न एक मेल आता है और आपका यहाँ पर चैनल डिलीट हो जाता है, जो कि मदन भाई के साथ कल ऐसा हुआ। तो जो ये टाइम है, ये बहुत ही हार्ड टाइम है और एक यूट्यूबर के ऊपर क्या गुजरती है जब ऐसा जो है आपका चैनल सडनली डिलीट हो जाता है। 1,000 सब्सक्राइबर गेन करना इस टाइम पे, जब टेक कम्युनिटी पूरी तरह से सैचुरेट हो चुकी है, कोई छोटी बात नहीं है। अगर किसी का 1,000 भी सब्सक्राइबर है तो उसको पता होगा कितनी मेहनत लगती है 1,000 सब्सक्राइबर गेन करने में, और ये 3 साल से मेहनत कर रहे हैं यहाँ तक पहुँचने में, और इनका चैनल पूरी तरह से क्लीन था। मैं बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा मशहूर थे Mi A1 के लिए, Mi A2 के लिए, Mi A3 के लिए, बहुत सारा कंटेंट इन्होंने बनाया Poco F1 के बारे में एंड देन Redmi K20 Pro के लिए मशहूर थे, और फिलहाल में ये Poco X2 के बारे में इन्होंने बहुत सारा कंटेंट बनाया, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे Poco X2 के लिए, और जो लास्ट वीडियो था वो Poco X2 के बारे में ही था। और भी बहुत सारे कंटेंट थे, टेक कंटेंट जो एक टेक यूट्यूबर के चैनल में होता है, तो पूरी तरह से क्लीन कंटेंट था, और ऐसा भी कुछ सेक्सुअल कंटेंट तो होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लास्ट जो वीडियो था OnePlus 7 Pro के साथ, इन्होंने Poco X2 का कैमरा कंपैरिजन डाला था और उसी में स्ट्राइक आई है, और यूट्यूब बोलती है कि उनका जो वीडियो था वो सेक्सुअल कंटेंट, मतलब वो सेक्सुअल कंटेंट की वजह से वायलेट हुई है। तो मैंने वो वीडियो देखा है, वो वीडियो शायद परसों दिन डली थी, परसों या कल डली थी, और उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था, और सीधे उन्होंने YouTube ने एक स्ट्राइक दी है और उनका चैनल यहाँ पर डिलीट हो गया है। हालांकि उन्होंने यहाँ पर मैनुअल जो है रिक्वेस्ट होता है वो फिलअप कर दिया, एक फॉर्म आती है। आपने देखा होगा टेक्स्टार शाहरुख भाई का वीडियो, आपने देखा होगा एंड्रो वाइट का वीडियो, भाई का वीडियो, नमन भाई का वीडियो एंड देन और भी यूट्यूबर्स ने वीडियोज़ बनाई है यहाँ पर इनके बारे में। इस चैनल का डिलीट होने का जो रीज़न उन्होंने बताया है, टेक्स्टार शाहरुख ने सर ने जो बताया है और नमन भाई ने जो बताया है, तो वो सब आपको चेकआउट करना चाहिए अगर आप एक टेक यूट्यूबर हैं। और कुछ टिप्स उन्होंने दी है शाहरुख भाई ने, जो कि एक बार फॉलो कर लेना चाहिए। और विदाउट एनी प्रायर रीज़न इस तरह से जब चैनल डिलीट होता है तो चैनल के जो क्रिएटर है, क्रिएटर के ऊपर क्या बीतती है ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस टाइम पे मुझे लगता है सारे उनके जो सब्सक्राइबर भाई हैं, तो ज़रूर जाके उनको एक बार जो है यहाँ पर सपोर्ट कीजिए। इनका दूसरा चैनल भी है मदन गायकवाड मराठी करके, मैं आप जाके सर्च कीजिए, लिंक्स वगैरह नहीं डाल सकता हूँ अभी, और शायद मैं डाल दूंगा यहाँ पर, आप जरूर चेकआउट कीजिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मदन गायकवाड मराठी करके उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए एंड उनका ट्विटर हैंडल एंड देन ट्विटर एंड देन इंस्टाग्राम ज़रूर जाके आप जो है एक बार सपोर्ट कीजिए उनको। इस टाइम पर सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी गलती है। फालतू के चैनल्स भरे पड़े हैं यूट्यूब में, देन फिर भी यहाँ पर कोई उनका कुछ नहीं करता है। एक जो बंदा, एक जो क्रिएटर जो क्लीन कंटेंट बनाता है, जिसके चैनल में ऐसा कुछ नहीं है कि उनका चैनल डिलीट हो जाए, और उनका चैनल सडनली डिलीट हो जाता है फॉर सेक्सुअल कंटेंट, मतलब ये सोच के भी डर लगता है कि नेक्स्ट वीडियो क्या बनाएं और क्या होगा उसका, उसका जो परिणाम क्या होगा। एंड देन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर उन्होंने जो फिलअप की है, फॉर्म फिलअप की है, जो रिक्वेस्ट जो किया है, उनका कोई अभी आंसर नहीं आया, इतनी जल्दी आएगा भी नहीं, पर मुझे लगता है इनका चैनल वापस आ जाएगा 10-15 दिनों में। और मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा टेक्नो रुएस सर को, शर्मा जी टेक्निकल को एंड सर को एंड देन टेक्निकल गुरु जी सर को, कि उनका रीच बहुत ज़्यादा है
इंडियन टेक कम्युनिटी में, और यूट्यूब इंडिया के साथ उनका जो जो रिश्ता है या जो रीच है यूट्यूब इंडिया के साथ वो बहुत बढ़िया है। तो अगर वो यहाँ पर कुछ मदद करे तो रिक्वेस्ट है मेरी इन बड़े चैनल से कि आप प्लीज़ यहाँ पर कुछ कीजिए। मेरी बात हुई है इनसे और बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पर, और मैंने कहा है कि मेल कीजिए आप, तो उन्होंने मेल बहुत सारे करेंगे वो, और कुछ भी मुझे पता चलता है चैनल के बारे में, कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। इन द मीन टाइम आपको एंड्रो वाइट सर का वीडियो देखना चाहिए एंड टेक्स्टर शाहरुख भाई का वीडियो देखना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, कोई नए यूट्यूबर ये देख रहा है और सबक लेनी चाहिए आपको इससे कि कैसे शायद आपका यहाँ पर चैनल इस तरह से भी डिलीट हो सकता है, क्योंकि जो टेक्स्टर शाहरुख भाई ने समझाया है कि कुछ कमेंट ऐसे आते हैं, कुछ रशियन हैकर्स की तरफ से कमेंट आ रहे थे जो कि मुझे भी आ रहे थे, और वो जो कमेंट है कुछ इस तरह से एंगेज करते हैं जिससे कि आपका चैनल सेक्सुअल कंटेंट की वजह से वायलेट हो जाए, जो टेक्स्टर शाहरुख भाई ने समझाया है, बहुत डीपली समझाया है। और आप लिटरली अगर एक टेक क्रिएटर हैं तो जिस तरह से उन्होंने इस चैनल को डिलीट होने का जो रीज़न समझाया है आप लिटरली डर जाओगे, और आपको बहुत सारी जो सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी अपनी चैनल में। तो ज़रूर जाके वीडियोस देखिए, एंड्रॉयड भाई का वीडियो देखिए एंड देन टेक्स्टर शाहरुख भाई का वीडियो देखिए। और अब ये टाइम है एक मुझे लगता है जो फेलो टेक यूट्यूबर्स हैं, जो कम्युनिटी है, सपोर्ट करने का एक टाइम है, और सबको यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए। मुझे लगता है उनका चैनल वापस आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो सबको जो है यहाँ पर सपोर्ट करना पड़ेगा बहुत बड़ी तरह तरीके से, और शायद उनका चैनल डेफिनेटली वापस आएगा मुझे लगता है। कुछ भी पता चलता है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इतना ही था इस वीडियो में, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।